Welcome to the first video of the Vehicleholics. Here, we will fill you with guidance, comparison, reviews and cool information about automotives. आज मैं आपको बताऊंगा कि एक रोड ट्रिप से पहले अपनी गाड़ी को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है और अगर आप ये सब स्टेप्स एफिशिएंटली फॉलो करते हैं तो आप 10 से 15 मिनट में अपनी गाड़ी का जनरल चेकअप भी घर पे कर सकते हैं और वो भी बिना सर्विस सेंटर गए या कुछ एक्सपेंडिचर किए। हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि हम गाड़ी के हार्ट यानी कि उसके इंजन को चेक कर लें। उसके लिए हम इंजन ऑयल और कूलेंट के लेवल्स को चेक करेंगे। इंजन ऑयल का लेवल चेक करने के लिए हमें डिपस्टिक का यूज़ करना है। डिपस्टिक को बाहर निकालेंगे, उसके लिए कई बार ट्विस्ट भी करना पड़ता है और एक क्लीन क्लॉथ या नैपकिन से इसको वाइप कर लेंगे। वाइप करने के बाद हमें दो इंडिकेशंस दिखाई देती हैं डिपस्टिक में, जिसके बीच में ऑयल रहना चाहिए। ऑयल चेक करने के लिए डिपस्टिक को दोबारा इंसर्ट करेंगे और बाहर पुल कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों इंडिकेशंस के बीच में ऑयल है, मतलब कि गाड़ी के अंदर ऑयल सफिशिएंट क्वांटिटी में है। इसका लेवल चेक करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोकेट करें आपकी गाड़ी में कूलेंट का कंटेनर कहाँ पे है। यूजुअली गाड़ियों में ये इस जगह पे होता है, बट होंडा सिटी में ये यहाँ पे आता था। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम की इंडिकेशंस दी होती हैं, आप उनमें चेक कर सकते हैं कि ये उन दोनों के बीच में है या नहीं। अगर उन दोनों में है तो सफिशिएंट क्वांटिटी में है। थर्ड स्टेप है, हमें अपने सर्विस शेड्यूल को नज़र में रख के चेक करना है कि हमारे फ़िल्टर्स कितनी देर पहले चेक या रिप्लेस हुए थे, और दोबारा उनको चेक करने के लिए हम एयर फिल्टर को इस बॉक्स में से बाहर निकाल सकते हैं। यूजुअली ये अनलैच करके खुल जाते हैं, बट कई गाड़ियों में ये स्क्रूज से टाइट किए गए होते हैं, तो आप वैसे भी इनको अनलॉक कर सकते हैं। इसको ओपन करके हमें एयर फिल्टर को बाहर निकालना है। इस गाड़ी का तो एयर फिल्टर काफ़ी क्लीन है, तो इसमें कोई नीड नहीं रहेगी, बट आपकी गाड़ी का अगर गंदा है तो आप उसको प्रेशर एयर से क्लीन कर सकते हैं या फिर रिप्लेस भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंडीशन। इसके बाद एसी फिल्टर को या तो हम चेक कर सकते हैं, जिसके लिए ग्लव बॉक्स को डाउन करना पड़ता है, या फिर जो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको वो ये है कि आप किसी एसी सर्विस वाले के पास या पंचर वाले के पास चले जाइए और उससे वो चीज़ करवा लीजिए, क्योंकि ग्लव बॉक्स डाउन करना और वापस फिट करना कई लोगों के लिए ट्रिकी हो सकता है। एयर फिल्टर को आप वैसे चेक करवा सकते हैं अगर नीड है तो। फोर्थ स्टेप में हमें अपनी गाड़ी के बाकी के फ्लूइड्स यानी कि ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल और वॉशर फ्लूइड को कंसीडर करना होता है, बट इनमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इन ऑयल्स की कोई इंडिकेशन नहीं होती। हाँ, अगर आपकी गाड़ी के काफ़ी देर से सर्विस नहीं हुई है या आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत है तो ये ऑयल्स आपको दिक्कत दे सकते हैं, ये फ्लूइड्स आपको दिक्कत दे सकते हैं। उस केस में आपको अपनी गाड़ी को चेक करवाना है, अदरवाइज़ आपको कोई नीड नहीं होगी। वॉशर फ्लूइड आप रिफ़िल कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी विंडशील्ड पे इसी से काम होगा जब भी डस्ट वगैरह या रेन होगी। आप इसके लिए सिंपल वाटर यूज़ कर सकते हैं टैप वगैरह का, या फिर आप वाटर के साथ एक सोपी सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आप डेडिकेटेड शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको किसी भी कार एक्सेसरीज वगैरह से मिल जाएगा, या फिर आप एक ऑयल फ्री शैम्पू को पानी में मिक्स करके सॉल्यूशन बना के यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप है कि हम अपनी कार की बैटरी को चेक कर लें। अगर आप हिली एरियाज़ में जा रहे हैं तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर बैटरी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर भी कम होंगे और ऐसी कंडीशन में ख़राब बैटरी तंग कर सकती है। ऑल्सो हैविंग अ गुड लुक टूवर्ड्स द टर्मिनल्स ऑफ योर बैटरी इज़ अ गुड प्रैक्टिस। आप चेक कर सकते हैं कहीं इन पे कार्बन तो नहीं आया, और अगर आया है तो आप इनको वार्म वाटर से वॉश करके, सैंड पेपर से स्क्रैच करके ग्रीस कर सकते हैं ताकि दोबारा कार्बन ना आए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिक्स स्टेप है कार के वाइपर ब्लेड्स और हेडलाइट्स को चेक करना ताकि रोड पर दिक्कत ना आए। सेवन्थ स्टेप है टायर्स की इंस्पेक्शन, जैसे कि टायर्स का ट्रेड और उनका प्रेशर। आप टायर्स का ट्रेड ऐसे चेक कर सकते हैं, विजिबली ही दिख जाएगा आपको, और प्रेशर चेक करने के लिए आपको किसी पेट्रोल पंप या पंचर वाले की हेल्प लेनी पड़ेगी। एट स्टेप है कार के स्टीयरिंग सस्पेंशन और ब्रेक्स को चेक करना। इसके लिए आप अगेन अपने सर्विस शेड्यूल को रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आप बैड पैच पे अपनी गाड़ी को ड्राइव करके आइडिया लगा सकते हैं कि उसके स्टीयरिंग और सस्पेंशन में से कोई अनडिज़ायर्ड नॉइज़ तो नहीं आ रही और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं। स्टीयरिंग और सस्पेंशन तो ऐसे आपके रेगुलरली चेक हो जाएंगे और वो यूजुअली दिक्कत नहीं देते हैं, बट ब्रेक्स वेयर कर सकती हैं टाइम टू टाइम,
और उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी लोकल मैकेनिक से चेक करवा लें, दे आर एक्सपीरियंस इन दिस, और वो यूजुअली हाथ डाल के ही चेक कर सकते हैं कि क्या ब्रेक्स हैं गाड़ी में बची हुई या ख़त्म हैं। नाइन्थ स्टेप है आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी को चेक करना और उनको ऑर्गेनाइज करके रखना, जिसके लिए आप अपनी गाड़ी के RC, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और अपने DL को ध्यान में रख सकते हैं। अक्सर ऐसे में हम PUC को भूल जाते हैं, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कई सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे PUC कम ड्यूरेशन के लिए भी वैलिड होता है, तो आप जहाँ का भी ट्रिप प्लान कर रहे हो उसमें ये चीज़ ज़रूर कन्फर्म कर लें। इसके साथ ही हमारा 10th स्टेप है कि हम अपनी गाड़ी में एक एमरजेंसी किट हमेशा रेडी रखें, जिसमें आपका आ जाएगा स्पेयर व्हील, जैक, स्पैनर, रॉड, ये सब चीज़ें। और मैं इसके साथ एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप एक छोटी सी फर्स्ट एड किट भी ज़रूर रखें, जिसमें आपकी कॉमन मेडिसिन और ऑइंटमेंट और एक बैंडेज वगैरह अवेलेबल हो, ताकि गॉड फॉरबिड कभी कोई मिसहैपनिंग हो तो आप उसको यूज़ करके फर्स्ट एड ले सकें। इसके बाद आ जाता है हमारा 11th स्टेप, विच इज़ नॉट रियली अ स्टेप बट रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। आप अपनी कार को अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लें ताकि आपको ऑन रोड कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए आप कार में एक मोबाइल होल्डर कैरी कर सकते हैं ताकि आपको GPS वगैरह जब यूज़ करना पड़े तो दिक्कत ना आए। आप अपनी कार को ट्रिप से एक दिन पहले ही फुल करवा के रख लीजिए ताकि आपको रोड पे ब्रेक्स ना लेने पड़े। अपनी कार को वॉश करवा के रख सकते हैं ताकि आपको रास्ते में प्रॉब्लम्स ना हो, रास्ते में तंग ना करे। आपको वाटर बॉटल्स कैरी कर लेनी चाहिए, आप अपने लिए टिश्यूज़ कैरी कर सकते हैं, और आप अपने लिए कुशन्स कैरी कर सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बट यू मे स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।